8 अप्रैल 2018 रविवार की सुबह थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर एक युवती ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। पुलिस किसी तरह उसको पकड़कर थाने ले आई और उसके बाद उसने जो बताया वो काफी हैरान करने वाला था। युवती का आरोप था कि उसके साथ बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उसके भाई ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है, उसके घर वालों को पीटा जा रहा है। हर तरफ दौड़ लगाने के बावजूद उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज। 4/6/2017 की विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ गलत काम किया। जब विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, सती सिंह हमको उनके घर लेके गई थी। जब हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं, हमने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कि अगर किसी को बताओगे तो पूरे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा। इस मामले में तब एक बड़ा मोड़ आया जब रेप का आरोप लगाने वाली युवती के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। कहते तुम भी आ, तुमको भी देख लूंगा, गांव में मरवा दूंगा, हमारे पापा को बहुत। कौन कहता है? कुलदीप सिंह और उनके भाई अतुल सिंह कहते हैं। युवती के पिता पप्पू सिंह को कुलदीप सिंह सेंगर की शिकायत पर ही गिरफ्तार किया गया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अप्रैल की शाम को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह ने दुष्कर्म पीड़िता युवती के पिता को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता की मां ने माखी पुलिस को विधायक के भाई अतुल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी थी। लेकिन माखी थाना अध्यक्ष अवधेश सिंह भदौरिया ने तहरीर से विधायक के भाई का नाम हटाकर अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 2 पुलिस अधिकारियों और 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन 4 लोगों पर युवती के पिता से मारपीट का आरोप लगा था, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी सफाई में कहा कि यह मेरे राजनीतिक विरोधियों की साजिश है, मुझे किसी जांच से कोई समस्या नहीं, अगर मैं जांच में दोषी पाया जाता हूं तो किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। युवती का कहना है कि सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए वरना वो अपनी जान दे देगी। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना ये है कि एनकाउंटर के जरिए सुर्खियां बटोरने वाली यूपी पुलिस इस युवती के साथ क्या इंसाफ कर पाती है।